शहर में मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वायरल मैसेज ने नगर परिषद के निलंबित सभापति नरेश कनौजिया को पुनः नगर परिषद सभापति घोषित कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कई ग्रुपों में वायरल हुए इस मैसेज के बाद शहर में कनौजिया के शुभचिंतकों, इष्ट मित्रों सहित भाजपा से जुड़े कई लोगों ने सोशल मीडिया पर बधाइयां देना शुरू कर दिया। मैसेज को लेकर न्यायालय परिसर में कई वकील साथियों ने आतिशबाजी करते हुए खुशी का इजहार किया, लेकिन देर शाम तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के किसी भी ग्रुप में किसी भी प्रकार के आदेश के प्रति वायरल नहीं होने के चलते शाम होते होते बधाइयों का दौर थम गया। मालूम हो कि सभापति प्रकरण में चल रही सुनवाई के दौरान मंगलवार को हाईकोर्ट द्वारा सरकार को अपने आदेश पर गौर करने और बुधवार को कोर्ट द्वारा आदेश सुनाने की चर्चाओं से दिन भर शहर में नरेश कनौजिया को राहत मिलने की चर्चाएं होती रही। एक और उनके फिर से कुर्सी पर बैठने की चर्चाएं होती रही तो दूसरी ओर सरकार की ओर से इस संबंध में अपना अगला एक्शन भी लेने की संभावना जताई जा रही है। ज्ञात रहे कि राज्य सरकार की ओर से नरेश कनौजिया नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के आरोप में 17 जून को निलंबित किया गया था। इसके बाद कनौजिया द्वारा हाईकोर्ट में पेश याचिका पर राज्य सरकार बनाम नरेश कुमार प्रकरण में कई बार तारीख भरी, इनमें से कुछ में सुनवाई भी हुई। 17 नवंबर को हाईकोर्ट की बेंच बदलने के साथ ही यह मामला नई बेंच के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जिसने सुनवाई के दौरान मंगलवार को सरकार को अपनी ओर से जारी आदेश को वापस लेने या कोर्ट द्वारा इस मामले में फैसला करने की बात कही। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि नरेश कनौजिया को बुधवार को राहत मिल सकती है।